हिजाब के ताल्लुक से इस्लाम में हिजाब ही पहनना ज़रूरी है, यानी अलग से पूरा सर ढांपने के लिए अलग से कपड़ा इस्तेमाल करना सर ढांपने के लिए, या दुपट्टा जो औरतें ओढ़ती हैं उसी को सर उसी से सर ढांपने से काम चल जाएगा। यानी हिजाब का मसला आज लोगों ने इतना उलझा दिया है, इतना उलझा दिया है कि लोगों को यही मालूम है कि हिजाब कहते हैं। अभी कल परसों पहले किसी का देखा कि हुकूमत से मुतालबा हो रहा है कि हमारी बच्चियों को सिर्फ सर पर दुपट्टा रखने की इजाज़त दी है। अभी तक हिजाब का मसला था कि हिजाब पहने दिया जाए, अब सिर्फ सर पर दुपट्टा रखने वाली बात आ गई। औरत को औरत कहा जाता है, औरत के माने होते छुपाने की चीज, पोशीदा रखने की चीज। जिन लोगों से औरत का लड़की का निकाह हमेशा के लिए हराम है, उनके सामने औरतें चेहरे को जाहिर कर सकती हैं, अपने हाथ को जाहिर कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें उनके सामने जाहिर कर सकती हैं, बेहजाब आ सकती है। लेकिन जिनसे उसका निकाह हराम नहीं है, इसे गैर मुहरिम कहा जाता है, तो गैर मुहरिम के सामने उसको चेहरा खोलना जायज़ नहीं है, हथेलियों को दिखाना भी जायज नहीं है, पूरी चीज़ों को ढकना है। अब चूंकि औरतें और लड़कियां जो भी हों बाहर जो जाती हैं, इनमें सब इनके सगे भाई नहीं होते, सब इनके बाप नहीं होते हैं, इसमें अक्सर वो लोग होते हैं जो गैर मुहरिम होते हैं। कॉलेजों में जाती हैं वहां पर भी गैर मुहरिम होते हैं, होटलों में जाती हैं वहां पर भी गैर मुहरिम होते हैं, बाजारों में जाती हैं वहां पर भी गैर मुहरिम होते हैं। अब खाली सर पर दुपट्टा लगा लिया, हिजाब ना हुआ, ये पर्दा ना हुआ। शरीयत ने जिस पर्दे का हुक्म दिया था वो पर्दा ना हुआ। पर्दा शरीयत में इन औरतों पर फर्ज आदमी का आजारक शरीयत का जुज़ नहीं है, शरीयत में जरूरी नहीं है, ये शरीयत का जुज़ भी है, शरीयत में जरूरी भी है। ये और बात है कि हमारी कुछ औरतें शरीयत का लिहाज नहीं करती है और बगैर पर्दे के निकल जाती है, ये उनकी अपनी फितरत है, उनकी गलती है, शरीयत की कोई गलती नहीं है। अपनी बीवियों से फरमाया जल्दी छुप जाओ, इन्होंने कहा यार सुनता वो तो अंधे सहाबी है जो दोनों आंखों से अंधे थे, एक होता काना एक होता अंधा। काना उसे बोलते जिसे कुछ दिखाई दे, एक आंख से दिखाई दे एक आंख से ना दिखाई दे, काना कहा जाता है, और अंधा उसे कहते जिसे बिल्कुल ना दिखाई दे। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंधे थे, काने नहीं, उन्हें दिखाई नहीं देता था। तो उम्महातुल मोमिनीन ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो अंधे है, ये तो हमें देख नहीं पाए। वाकई कायनात ने फरमाया क्या तुम भी अंधे हो, तुम तो उसको देख सकती हो। इतना पर्दे का इंतजाम शरीयत ने किया है, इंशाअल्लाह पर्दे की बड़ी अहमियत है, बड़ी अहमियत है, और इस पर्दे की बुनियाद पर औरतों की इज्जतें महफूज रहती है, उनकी इज्जतों की हिफाजत होती है। लिहाजा मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, हुकूमत जो कर रही है बेकरीन है, लेकिन पर्दा हमारे इस्लाम में लाजिम है, जरूरी है, औरतों पर पर्दा फर्ज है, जरूरी है। ये कोई हल्का फुल्का मामला नहीं है, अगर कोई औरत पर्दा नहीं करेगी सख्त गुनहगार होती है। लिहाजा सबसे गुजारिश है कि अपने अपने घर की औरतों को पर्दे में रखें, बाहर निकले तो मुकम्मल हिजाब के साथ निकले। इंशाअल्लाह मतलब समझ आ गया।